नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने कोयला घोटाले के एक मामले में झारखंड के पूर्व सीएम मधुकोड़ा समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। वे 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक 709 दिन झारखंड के सीएम रहे। उन पर 4000 करोड़ रुपए के घोटाले का भी मामला दर्ज है। वहीं उनकी पत्नी सबसे कम उम्र की एमएलए रह चुकी हैं। दिसंबर 2014 में झारखंड विधानसभा चुनावों में कई दिग्गज को जीत हासिल हुई थी तो कई नेता अपने ही गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा था। इसमें मझगांव सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम मधुकोड़ा का रिजल्ट भी काफी चौंकाने वाला रहा। वे इस सीट से झामुमो के नीरल पूर्ति से हार गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर सीट से जीत हासिल हुई थी। वहीं 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में गीता कोड़ा पहली बार पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी थीं। उन्होंने अपने सामने खड़े उम्मीदवार को 25,000 वोटों के अंतर से मात दी थी। वे उस वक्त न केवल पहली बार विधायक बनी थीं, बल्कि झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ। उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी।